हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट। हमारे देश में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी तैयारी कराने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं सर का चैनल है। थैंक यू सो मच संजय सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपने वक्त दिया, हाँ जी थैंक यू सो आसमिन मच जी, जी। तो सर का सावडा शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी नाम से चैनल भी है, और सर बहुत सारे जो भी डिफेंस से रिलेटेड या यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स से रिलेटेड कोई भी एस्पिरेंट है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को नहीं मालूम है इस चैनल के बारे में, वो भी सर का वो चैनल देखें। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इस चैनल का नाम सावडा शौर्य और विवेक डिफेंस अकेडमी, और सर का मैं देख रही थी XIMA, मतलब इंडियन मिलिट्री अकेडमी, उसके अलावा IA एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रह चुके हैं सर। तो सर सर का काफी लंबा एजुकेशनल एक्सपीरियंस और करियर रहा है। और उसके अलावा सर, आप अपने बारे में थोड़ा और हमारे दर्शकों को बताएं, जो स्टूडेंट्स हैं वो तो डेफिनेटली आपको जानते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे देश के दर्शक हैं, जो हमारे देशवासी हैं, वो देखते हैं चैनल को, जो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी रुचि है देश और विदेश में होने वाली घटनाओं को लेकर, और अपने देश में क्या हो रहा है उसको लेकर अपने आप को अवेयर करने के लिए। जी सर, सबसे पहले यास्मीन जी आपका धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। तो मेरा नाम संजय कुमार सिंह है फॉर एवरीवन। सो आई हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, आई वाज पार्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। उसके अलावा आई हैव आल्सो बीन पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो अंडर MHA, जहाँ पर मैंने काफी सारे ऑपरेशन का हिस्सा रहा हूँ। खासकर अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो वहां पर चीजें कैसे काम करती हैं, किस तरीके का वॉरफेयर है, जो आज यास्मीन जी से डिटेल में उसमें बातचीत भी होगी। उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मैंने काम करा है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी इन्फो है, जिसके अंडर Naukri.com, शिक्षा.com, 99acres, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। उनके साथ भी काफी लंबे वक्त तक मैंने काम करा। एंड नाउ फॉर द एजुकेशन सेक्टर, मोर देन 7 और 8 ईयर्स आई हैव बीन इन द एजुकेशन सेक्टर, जिसके अंदर मैंने एक बहुत बड़ी स्टार्टअप तो नहीं बोलूंगा, इट्स अ बिलियन डॉलर कंपनी बनी, अन अकेडमी का आपने जरूर नाम सुना होगा। तो वहां पर मैंने डिफेंस के बच्चों को गाइड करा, और आज की डेट में मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है सावदा, जो है शौर्य और विवेक डिफेंस अकेडमी। और इसमें भी नाम शौर्य और विवेक इसलिए क्योंकि शौर्य भी विवेक के साथ होना चाहिए, कि अगर आपके पास बल है और बुद्धि नहीं है तो उस बल का कुछ खास फायदा होगा नहीं। तो इसको हमने, बिल्कुल जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने स्टार्ट करा 2022 के अंदर, और अब करीबन 2 साल से ऊपर इसे होने जा रहा है। उससे पहले चैनल तो काफी पहले ही इस्टेब्लिश कर लिया गया था। एंड नाउ आई गाइड स्टूडेंट्स टू ज्वाइन फोर्सेज, आई गाइड स्टूडेंट्स टू ज्वाइन क्लियर UPSC एग्जामिनेशन, और उसके अलावा देश विदेश की खबरों पे बातचीत करना, इंटरनल सिक्योरिटी पे बात करना, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे बात करना, क्या चल रहा है, चाइना की कूटनीति राजनीति क्या है, पाकिस्तान किस तरीके से इंडिया को आज के कंटेक्स्ट में देखता है, और किस तरीके का वॉरफेयर आने वाला है दुनिया के अंदर, और भारत के अगर मैं कंटेक्स्ट में बात करूं, इस पर मेरी काफी रुचि है बात करने में, और मैं इस पर काफी पढ़ता भी हूं और पढ़ाता भी हूं। बहुत 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 अच्छा सर, आपका इतना सफल करियर रहा है, और जिस तरह से आपका एजुकेशन में और इतने प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म से आप यहाँ तक आए हैं, बहुत सारे लोगों को आपने इस बारे में बताया है कि कैसे क्या चीजें चल जी रही हैं, स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, तो उसी के मुताबिक आज हम आगे आपसे बात करना चाहेंगे। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर बहुत ही आम सा एक नाम हो गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में लोग इस बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और वो इसका शिकार हो जाते हैं। जहाँ मैं इस पे काफी बात कर चुकी हूँ, पहले भी मैं इस पे बात करती रही हूँ अपने वीडियो के जरिए, जितना हो सकता है मेरी समझ के अनुसार, मेरी नॉलेज के अनुसार मैं उसमें बात करती हूँ, लेकिन आप जैसे एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जब हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमारे बहुत सारे दर्शकों को इसमें मदद मिलेगी। हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इन तमाम चीजों का जिक्र सुनते रहते हैं, ये नाम बार बार आते हैं, तब हम आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट पर हमें क्लैरिटी दीजिए, आखिर ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इसमें डिफरेंस क्या है, और ये हमारे लिए, हम भारतवासियों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। पहली चीज तो यास्मीन जी, खतरनाक साबित हो सकता है नहीं, खतरनाक साबित हो रहा है। लाइक इट इज ऑलरेडी हैपनिंग, इट विल नॉट हैपन, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर हम पर सक्सेसफुल भी हुआ है पाकिस्तान। तो पहले मैं बताता हूँ हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, और फिर देन आई विल कम टू फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। जैसे कि हम बोलते हैं ये गाड़ी हाइब्रिड है, तो जैसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कार का मतलब है उसमें इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, प्लस पेट्रोल हो सकता है, या इलेक्ट्रिक प्लस डीजल हो सकता है। इसी तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब होता है जहां पर कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर दोनों होते हैं। कन्वेंशनल वॉरफेयर हो गया, जैसे 1948 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, 71 72 की जंग हुई, 99 की जंग हुई, जो जंग का है। अब क्या होता है, जब वॉर होती है ना, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में दोनों कंट्रीज को पता है
दोनों फोर्सेस को पता है कि भैया इसके पास कितने वेपन्स हैं, मेरे पास कितने वेपन्स हैं। सो यू नो योर एनिमी वेरी वेल इन कन्वेंशनल वॉरफेयर। एक आइडिया आपको होता है, जैसे अगर पहाड़ का युद्ध हो रहा है, अगर पाकिस्तानी ऊपर बैठे हैं तो हमें किस तरीके से चढ़ना है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, उनके पास क्या इक्विपमेंट्स रहेंगे, एक बेसिक आइडिया होता है। तो दिस इज कन्वेंशनल वॉरफेयर। अब हाइब्रिड में दूसरी चीज आती है अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, जिसमें जुड़ जाता है साइबर वॉरफेयर, विच इज वेरी डेंजरस, क्योंकि साइबर वॉरफेयर में आपको ये नहीं पता दुश्मन कहाँ बैठा है, कितना बैठा है, और वो एक लैपटॉप से आपकी पूरी कंट्री को डैमेज कर देता है। तो ये होता है हाइब्रिड वॉरफेयर, जहां पर कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल यूज होता है। नाउ इसी में सेकेंडरी चीज आती है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, विच इज इवन मोर डेडलियर देन हाइब्रिड वॉरफेयर, एंड आई विल टेल यू व्हाई। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का मतलब है फॉल्स इंफॉर्मेशन या खराब इंफॉर्मेशन या फिर रॉन्ग इंफॉर्मेशन या फिर डिस इंफॉर्मेशन मिस इंफॉर्मेशन कर लोगों को उन्हीं के देश के अगेंस्ट बरगला देना, और इससे बड़ी एनिमी की कोई जीत ही नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, हम दोनों पेट्रियोटिक हैं, और अगर हम ही को मैनुपुलेट कर दे पाकिस्तान की न्यूज एंड वी बिकम एंटी इंडिया, उससे बड़ी जीत तो पाकिस्तान की कुछ होगी ही ना, चीन की होगी, कि उनको एक गोली नहीं चलानी पड़ी, उनको एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ा, और संजय जी यास्मीन जी देश के अगेंस्ट हो गए, एंड वी स्टार्ट सीइंग अगेंस्ट द कंट्री। अब इसमें फॉल्स प्रोपेगेंडा यूज करा जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन यूज करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ पर, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे एग्जाम्पल दाऊद का एग्जाम्पल है, दाऊद की होक्स कॉल करी गई कि वो मरने वाला है, बट वो मरा नहीं। उसके बाद फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर खालिस्तान को रिवाइव करा गया, फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर ये न्यूज नैरेटिव बनाया गया कि सरदार और हिंदूज एक दूसरे के अगेंस्ट है, हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे के अगेंस्ट है। एंड सॉरी टू से दिस यास्मीन जी, पाकिस्तान इसको काफी अच्छे तरीके से कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है। आप जरा देखो कि देश में इन इंस्टीट्यूशंस ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अगर कोई रिपोर्ट आती है, यस यू कैन बी क्रिटिक टू द गवर्नमेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट आप गवर्नमेंट के क्रिटिक होते होते देश के क्रिटिक मत बन जाइए ना। लाइक यू यू माइट नॉट लाइक द गवर्नमेंट, बट डोंट, नॉट लाइकिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडिया इज वेरी अनफॉर्चुनेट यास्मीन जी। अब मैं उसमें कमेंट पढ़ता हूँ, उसमें कहते हैं पाकिस्तान ने जो बोला था बिल्कुल सही है, चाइना बिल्कुल सही कर रहा है, चाइना ने गलवान ले लिया है, पाकिस्तान ने ये लीजिए। तो पाकिस्तान जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है और जो फॉल्स प्रोपेगेंडा दे रहा है, वो इंडिया के लोग ऑलरेडी बिलीव कर रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट विक्ट्री पाकिस्तान कैन हैव, दिस इज बिगर देन विनिंग वॉर्स, की उन्होंने इंडियंस को ही मैनुपुलेट कर दिया। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इज मूविंग टुवर्ड्स मैनुपुलेटिंग द सिटीजंस अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ योर कंट्री। दिस इज डेंजरस देन हाइब्रिड वॉरफेयर एंड कन्वेंशनल वॉरफेयर, क्योंकि वहां पर आपको दुश्मन पता है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आप कहां से पकड़ने वाले हो, 15 लैपटॉप बना के जनरेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर हो सकता है। इसी में अगर मैं सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करूं जो आने वाला है, उसमें यास्मीन जी अभी तो सिर्फ हमको मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर आपके और मेरे डिसीजंस को भी मैनुपुलेट करेगा, आपकी यस को नो में कन्वर्ट कर सकता है, नो को यस में कन्वर्ट कर सकता है, एंड कंट्रीज आर वर्किंग ऑन दिस सिक्स्थ जनरेशन ऑफ वॉरफेयर। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, दे हैव अ वेरी लिमिटेड बजट, दे कैन नॉट विन वॉर्स अगेंस्ट इट। उनकी वही रही है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कार्ड्स, बॉम्बिंग्स कराई जाए, ये कराई जाए, तो टू दैट एक्सटेंट वो भी अब कम हुआ है, बट दे नो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में हम इंडिया को हरा सकते हैं या इंडिया पे करंटली एज ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा बजट नहीं है उनके पास कि वो बहुत मैसिव साइबर अटैक्स करें, उसके लिए वो हेल्प लेते हैं चाइना की। तो चाइना पे मैं बाद में आऊंगा, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, तो आई थिंक आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट इज हाइब्रिड वॉरफेयर एंड व्हाट इज फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर विद द एग्जांपल्स ऑफ दाऊद हो गया, एग्जांपल ऑफ ये फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, पठानकोट के बाद भी इन्होंने इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन करी थी। बेस्ट तो ये था बालाकोट स्ट्राइक में पाकिस्तान के इतने सारे मिलिटेंट कैंप्स उड़ गए, बट उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि सिर्फ 5 पेड़ गिरे। और दिक्कत की बात यास्मीन जी थी कि भारतीय उस बात को मान रहे थे, दिस इज अ प्रॉब्लम। लाइक इफ यू सी इसराइल, इसराइल के लोग वॉट एवर इज गोइंग ऑन दे बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ इसराइल, यू गो अमेरिका, वो अपनी कंट्री पे तो आपको बिलीव रखना होगा ना। ये हो सकता है कि हम आपस में किसी चीजों में डिवाइडेड हो, पर जब बाहर से कोई दुश्मन आता है तो हम सबको मिलके रहना चाहिए। इतनी अकल तो एक साधारण से घर को भी होती है कि हमको साथ में रहना चाहिए। तो और इंडियंस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट एवरीवन, कि ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, और चाइना के पास तो बहुत हैवी पॉकेट्स है, वो तो लगातार साइबर वॉरफेयर कर रहा है इंडिया के ऊपर। एग्जैक्टली लगातार साइबर वॉरफेयर कर रहा है। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया या किस तरह से ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है ये कितना खतरनाक है।
हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी बिपिन रावत साहब, उन्होंने 2.5 वॉरफेयर की बात की थी, जिसमें मैंने आपका भी एक लेक्चर सुना। तो थोड़ा हमें उसके बारे करेक्ट में एक्सप्लेन करें, जहां पर कहीं ना कहीं हमारे इंडियन को इसमें अवेयर होना पड़ेगा कि हम इजीली किसी की भी बातों में आकर अपना जहन उसकी वजह से ताले में बंद ना कर दें। तो ये बहुत करेक्ट। जरूरी है कि हम उससे अवेयर रहें। जी तो ये 2.5 वॉरफेयर में जो 2 है वो आपको, मुझे और मोस्ट ऑफ द इंडियंस को पता ही है, 2 इज आर आर्च राइवल्स, चाइना एंड पाकिस्तान। तो मोटा मोटा मुझे ये तो मैं मानता हूं कि हमारे देश को, लोगों को ये पता है कि ये हमारे दो दुश्मन देश है। एटलीस्ट पाकिस्तान को तो पता है, अगर चाइना का ना भी पता हो। बट ये जो 0.5 है, दिस इज मच मोर डेंजरस देन 2। अब क्यों? ये जो 0.5 है, ये है मैम इंटरनल वॉरफेयर, मतलब कि भारत के ही लोग भारत के ही अगेंस्ट है। नाउ इन दिस 0.5 वॉरफेयर, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और चाइना है। अब इनको पता है वॉर में तो इंडिया को हराना मुश्किल है, बट इंडिया में काफी सारे लोग हैं जो भारत के लिए या भारत के अगेंस्ट वो पैसे के लिए बिकने के लिए तैयार है। जैसे मीडिया में हो गए या फिर एकेडमिक सर्कल में हो गए, जो इस मिस इन्फॉर्मेशन को, जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर होता है, इसको एक्सपैंड करते हैं। इन द सेंस पाकिस्तान ने अगर कोई फेक नैरेटिव चलाया तो इंडिया में भी उनके एजेंट्स बैठे हुए हैं, एंड दीज आर नॉट स्मॉल एजेंट्स, दिस इज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वेरी वेल पेड। अगर आपको टूल किट का एग्जाम्पल याद होगा, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर हुआ था, कि फार्मर्स प्रोटेस्ट तो मैम कनाडा और बहुत यूरोपियन कंट्रीज में हुए, बट उनको तो इतनी ज्यादा वर्ल्ड अवेयरनेस नहीं हुई। उस पर तो रिहाना ने ट्वीट नहीं करा, हमारे वाले पे क्यों ट्वीट करा? लेटर इट केम आउट दैट द मनी वॉज बींग पेड। तो ये जो मैम 0.5 वॉरफेयर है, दिस इज द इंटरनल वॉरफेयर, जहां पर आपके देश में ही लोग हैं जो पैसे पे बिक जाते हैं, या पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड या चाइना स्पॉन्सर्ड पैसे पे चल रहे हैं, फंडिंग पे चल रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा काम कराया जाता है। जैसे जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल एडेड इंटरनल एक कंसेप्ट है, कि एक्सटर्नल से एड आ रही है, पैसा आ रहा है इंटरनली डिस्टर्बेंस करने के लिए। तो ये एक्सटर्नल हो गए पाकिस्तान चाइना, और ये पैसा देते हैं। अब आपने फोर्ड फाउंडेशन के बारे में भी सुना होगा, जो इस तरीके की एक्टिविटीज, कि आप जरा सोचिए कि एक अभी सऊदी और यूएस के बीच में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक डील होने जा रही है। अब जब कुडानकुलम वगैरह प्लांट्स बन रहे थे, तो हम भी न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे थे, बट जैसे ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होता है या खत्म होने वाला होता है, एकदम से एक एनजीओ पनपता है और बोलता है नहीं, यहाँ पे सबके लोगों के राइट्स मारे जा रहे हैं, ये वो। राइट्स कहीं नहीं जा रहे हैं। ये क्या होता है मैम, जितने भी एनजीओज होते हैं, इनको फंड्स आ रहे होते हैं अमेरिका, चाइना, डेवलप्ड कंट्री से, एंड व्हाट दे डू इज दैट दे नो दैट इफ इंडिया बिकम्स डेवलप्ड, बी इट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारी जो ग्लोबल प्रोवेस है, हमारी जो सुपर पावर बनने की कैपेबिलिटी, वो बढ़ती जाएगी। आपकी कैपेबिलिटी कैसे बनेगी सुपर पावर बनने की? आप खुद के हथियार बनाए और खुद की डेवलपमेंट हो, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बढ़िया इकोनॉमी हो, उसके लिए आपको पैसा कमाना पड़ेगा, और इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी ही नहीं होगी, चाहे वो तेल से हो, गैस से हो, न्यूक्लियर एनर्जी से हो, तो एनर्जी नहीं होगी तो इकोनॉमी नहीं चलेगी, इकोनॉमी नहीं चलेगी तो पैसा नहीं कमाओगे। और अगर आप पैसा कमाने लग जाओगे, जैसे चाइना के केस में वो आज आई टू आई यूएसए इसीलिए करता है बिकॉज इट्स इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर इंडिया को रोकना है तो इंडिया की एनर्जी रोक दो, इंडिया की इकोनॉमी रोक दो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नीड टू डू वॉरफेयर ना मैम, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी तो हो रहा है। कि जैसे अभी एमडीएच का केस है, बोल दिया गया कि एमडीएच के जो मसाले ये खराब है, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया आई थिंक सिंगापुर के अंदर केस हुआ। अब जरा आप मुझे बताइए, मैं एग्जांपल देता हूँ, नेस्ले मैम बेबी प्रोडक्ट्स बनाता है, तो 0 to 2 years के अंदर शुगर ऐड नहीं हो सकती है, WHO की रिपोर्ट कहती है नहीं हो सकती है। नेस्ले फ्रॉम टाइम इमोरियल जब से भी बना रहे हैं, इंडिया और एशिया के अंदर जितने बेबी प्रोडक्ट जो हम सैडलैक बोलते हैं, उसमें जितनी शुगर कंटेंट वो डाल रहा है, दैट कैन लीड टू कैंसर एंड हार्ट अटैक्स टू दीज किड्स। और बेस्ट बात, ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है, ये अमेरिका और यूरोप में नहीं बेचता, दीज सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आर ओनली बींग सोल्ड इन एशिया, इंडिया एंड ऑल दीज कंट्रीज के ऊपर हमारे पास लॉज ही नहीं है, और हम नेस्ले का कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे फॉर दैट मैटर, अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम, लॉज बनेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब इनकी कंट्रीज की, इनकी बड़ी कंपनीज करती है, आप कुछ कर नहीं सकते। और फिर ये क्या करते हैं, कोई जैसे नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी इंडिया में बननी लगेगी, उसे लीगल केसेस में फंसा देंगे, उसके प्रोडक्ट्स को फंसा देंगे, कि डेवलपमेंट ही ना हो पाए, डेवलपमेंट नहीं होगी तो पैसे नहीं आ पाएंगे।
तो ये और फिर 0.5 वॉरफेयर में इंडिया के ही कोई जर्नलिस्ट होंगे जो हमारी कंपनीज को गाली देने लग जाएंगे। तो 0.5 वॉरफेयर में पैसा आता है, एड आता है पीछे से कि इंडिया की डेवलपमेंट को रोका जाए। सो इट इज नॉट ओनली कि दिस इज रिलेटेड, जैसे कि नक्सलिज्म के केस के अंदर कुछ प्रोफेसर्स हो गया, कुछ जर्नलिस्ट हो गए जो उनको सपोर्ट करेंगे। नक्सल बारी में जब नक्सलिज्म स्टार्ट हुआ मैम, दैट इशू वॉज, तब वो जेन्युइन इशू था, उनके राइट्स का था। बट आज की डेट में तो नक्सल्स भी वही तेंदू लीव्स का और बीड़ी का धंधा कर रहे हैं, वो भी एक्सट्रॉशन कर रहे हैं। तो जिन लोगों के अगेंस्ट वो खड़े हुए थे कि उनके राइट्स छीने गए, टुडे दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, दे आर ऑल्सो टेकिंग राइट्स ऑफ अदर्स, किलिंग द आदिवासीज। तो मैम ये 0.5 वॉरफेयर में, जिसे अर्बन वॉरफेयर बोल दिया या फिर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर जो इनको सपोर्ट करता है, जिनको पीछे से पैसा आ रहा है, अमेरिका, एनजीओ फाउंडेशन, फॉर दैट मैटर इवन खालिस्तानीज जो इनके सपोर्ट में बात करते हैं, मैम दिस इज द मोस्ट डेंजरस वॉरफेयर। क्योंकि ये जो लोग हैं जो 0.5 करते हैं मैम, ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल। फॉर एग्जाम्पल अभी बात करी गई आइज ऑन राफा, विच इज फाइन बिकॉज राफा पे ये थी अनकहीं अंडरस्टैंडिंग कि वहां पर बॉम्बार्डमेंट नहीं होगी। But when the deadly attack on Israel happened, just asking you, ma'am, was there any thought, eyes on Israel? Lot of Hindu girls are getting converted in Pakistan. I'm sure you are aware. How many of us are talking about? So why is that this Bollywood? Yes. Why is that ki, ma'am, ek particular issue pe hi Bollywood baat karta hai? This is my point. Matlab, irrespective of religion, be you are a Hindu, Sikh, or if a problem is occurring anywhere, it is irrespective of the religion. तो ये मैम एक बैलेंस तरीके से बात नहीं करी जाती, बैलेंस इसलिए नहीं क्योंकि उसमें पैसा नहीं आ रहा आपको और मुझे। तो ये 0.5 के अंदर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनको पैसा आता है, और जिस चीज का पैसा आता है ये उसी मुद्दे की बात करते हैं, जिससे इनके जो पीछे जो इनके गुरु, ये तो दीज आर लाइक पपेट्स मैम, तो जो इनके पाकिस्तान में इनके आका बैठे हुए हैं या चाइना में इनके आके बैठे, चाइना इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और फॉर दैट मैटर अमेरिका विच वॉन्ट्स टू स्टॉप द डेवलपमेंट, बिकॉज अगर डेवलपमेंट रुकता है तो इंडिया आगे पावरफुल कंट्री नहीं बनता, बिकॉज इफ इंडिया बिकम्स पावरफुल तो अब एशिया के अंदर चेंज होगी। हालांकि मैम अमेरिका में थोड़ा चेंज आया है बिकॉज दे वॉन्ट टू काउंटर चाइना, एंड टू काउंटर चाइना दे नीड इंडिया सपोर्ट, एंड दैट इज वाई फ्रॉम द लास्ट 15-20 ईयर्स अमेरिका के स्टैंड में चेंज है, और वो भी 9/11 अटैक के बाद व्हेन दे फेल्ट द पेन ऑफ टेररिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन देयर लैंड्स। एग्जैक्टली जिस तरह से आप बता रहे हैं ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, और जितनी इसकी डेप्थ है हम लोगों में तो आम जो भारतीय है वो तो इसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही की खबर है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगे हैं, इतना ज्यादा उनकी बात मानने लगे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में बैठा हो, चाहे वो चाइना में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, जर्मनी में बैठा हो, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। उसमें अभी एक केस खुला है बॉबी कटारिया नाम के एक व्यक्ति का, जो कि एक यूट्यूबर रहा है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहा है, और वो लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट होता था, और लोग आंख बंद करके उस यूट्यूबर को फॉलो कर रहे थे, और उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पूरा ये मामला सामने आया है कि वो किस तरह से लोगों को यहाँ भारत से उनको उनको फंसाकर कबूतरबाजी का, और ये इस तरह का पूरा ये जो मामला सामने आया है, लोग आज इन चीजों को लेकर अवेयर नहीं है। लेकिन जो आप बता रहे हैं ये तो और भी ज्यादा खतरनाक स्तर पर लग रहा है। 12 अक्टूबर 2020 में जब मुंबई में जो बिजली एग्जैक्टली तो वो हाइब्रिड वॉरफेयर का मैं उसमें देख रही थी, तो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने इस पर ओपनली उन्होंने कहा था कि इसमें चाइना का हाथ है, और ये क्या हुआ कि इसको एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि चाइना इन मेथड्स के जरिए इंडिया को मॉडर्न वॉरफेयर की अपनी कैपेबिलिटीज को शो करना चाहता है। यहाँ पे खुले तौर पर उन्होंने ये बात कही थी, और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के जरिए भी ये बात सामने आई थी कि इसमें चाइना के साइबर अटैकर्स हैं और वो किस तरह से ये चीजें कर रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले देखा गया कि भारत ने चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया था, लेकिन यहाँ पे आपने जो पाकिस्तान का जिक्र किया उनके अगर हम दोनों को कंपेयर भी करें तो यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए भारत की सोसाइटी को समझना ईजी है, वो यहाँ के लोगों को माइंडसेट को ईजिली जानते हैं, हमारी भाषा एक है, उनको यहाँ की सोसाइटी में हर वक्त वो नजर रखते हैं, कश्मीर का मुद्दा वो सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं। तो इस वक्त आप सर चाइना और पाकिस्तान इन दोनों को भारत के लिए कितना खतरनाक समझ रहे हैं, और इसके लिए आगे हम क्या इस पर स्टेप ले सकते हैं? हम आम भारतीय, भारत का, भारत सरकार का, एस्टैब्लिशमेंट का, वो आप बाद में बताइएगा, लेकिन हम लोग कैसे इससे अवेयर हो सकते हैं, और पाकिस्तान कितना घातक और चाइना कितना घातक हो सकता है? पाकिस्तान और चाइना की अगर मैं चाहे साइबर कैपेबिलिटीज की बात करूं या इंफॉर्मेशन कैपेबिलिटीज की बात करूं मैम, इतना ज्यादा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल मैम, यूएस के एक सेनेटर ने रिसेंटली बोला था कि अगर हम साइबर कैपेबिलिटीज की बात करें, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आई थिंक 1 ईयर बैक ही सेड दैट,
दैट यूएस इज करंटली इन यूजी मतलब किंडर केजी क्लास कंपेयर टू चाइना, केजी किंडरगार्टन क्लास में। एक टाइम था मैम अमेरिका साइबर वॉरफेयर में टॉप पर था, बट अब चाइना इतना ज्यादा आगे जा चुका है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। तो चाइना में मैम आपका एक SFF है और दूसरी उनकी एक PLA की यूनिट है 61398, जिसको हम APT-1 भी कहते हैं, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट 1, जिसका काम ही है इंडिया पे अटैक करना और बाकी कंट्रीज पे। मैम चाइना का फोकस, वन ऑफ द फोकस इज इंडिया, बाकी उनका फोकस है ग्लोबल। अगर आप जैसे मान लिया जाए एक दिन में अगर चाइना को 10 अटैक करने हैं, 10 साइबर अटैक, उसमें से हाफ या वन इंडिया होगा और पाकिस्तान का 10 में से 9 इंडिया ही होगा। दैट्स द डिफरेंस। चाइना मैम एक ग्लोबल पावर बन चुका है और अगर वो पूरा फोकस करके इंडिया पे साइबर अटैक्स करने में लग जाए तो दैट कैन बिकम वेरी डेंजरस, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन दैट। और दोनों में कॉमन ये है, दोनों ही स्टेट स्पॉन्सर्ड है, मतलब कि जैसे पाकिस्तान की तरफ से उनकी आर्मी हो गई, ISI हो गया, उनकी आर्मी प्रोवाइड करती है फंड्स। सिमिलरली चाइना के अंदर जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनके अंदर PLA है, तो PLA इज नॉट फॉर द चाइनीज पीपल, PLA रिपोर्ट्स टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो एक पार्टी की आर्मी है। इसी तरीके से PLA की यूनिट है 61398, जिसका काम ही है साइबर एस्पेनाज करना, साइबर वॉरफेयर करना, साइबर सेबोटाज करना, यही उसका काम है। और ये डायरेक्टली आपके प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है चाइनीज। सो मैम दिस यूनिट इज वेरी डेंजरस, APT-1। इसने मल्टीपल अटैक्स करे हुए हैं, 2006 से लेके 2013 में इसने अटैक करे। और इसी में मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा, थोड़ा सा डाइग्रेस हूंगा। देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड लाजोरस ग्रुप मैम, और ये नॉर्थ कोरिया बेस्ड है और ये अपने आप को गार्डियंस ऑफ पीस भी बोलते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल आई वुड से हैकर्स और वॉट एवर दीज APTs आर। इन्होंने 2017 में वॉना कराए, रैनसम वेयर करा था जिसपे बहुत सारी इंडियन कंपनीज इफेक्ट हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि हमारी जो मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज थी उसके डेटा को इन्होंने फंसा लिया, तो वॉना कराए रैनसम वेयर। रैनसम का मतलब है फिरौती, आप पैसा दो तो हम आपका डेटा आपको दे देंगे। पूरी दुनिया में इनका अटैक हुआ था। उसके बाद इन्होंने सोनी पिक्चर्स को हैक कर लिया था, और हैक कर इसलिए करा था क्योंकि इन्होंने एक मूवी बनाई थी जो किम जोंग अन नॉर्थ कोरिया का जो हेड है उसके अगेंस्ट थी। तो इन्होंने सोनी पिक्चर्स की मूवी उनको हैक करा और ये भी बता दिया कि आने वाली मूवीज कौन सी होंगी। उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश बैंक के पैसे चुरा लिए थे, इसके अंदर करीबन $81 मिलियन, एप्पल जूस करा था। तो ये लाजरस ग्रुप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ऑपरेशन चाइना के करता है जब चाइना आउटसोर्स करता है। नॉर्थ कोरिया इज अ कंट्री विच इज वेरी क्लोज टू चाइना एंड वेरी क्लोज टू रशिया, तो ये लाजरस ग्रुप इज वेरी डेंजरस। सिमिलरली APT-1 है जो सिमिलर काम करता है, साइबर एस्पेनाज करता है। जो आपने पावर ग्रिड की बात करी थी जो महाराष्ट्र में अंदर हुआ था, वो था ऑपरेशन रेड इको। बेसिक पॉइंट ये था कि किसी भी तरीके से भारत के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुराया जाए, साइबर एस्पेनाज करी जाए, एंड चाइनीज हैव बीन एबल टू शो दैट दे कैन डू। और इनका फोकस है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देना। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सोचिए कि अगर किसी कंट्री में ये कैपेबिलिटी है कि वो बैठे बैठे आपकी मेट्रो को डैमेज कर सकती है, आपके पावर प्लांट्स को डैमेज कर सकती है, आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डैमेज करती है, अगर ऐसे 3-4 मैसिव अटैक मैम एकदम से हो और चाइना एकदम से फ्रंट खोल दे अपना, पाकिस्तान भी अपना फ्रंट खोल दे, आप सोचिए कितना डेंजरस है। कन्वेंशनल प्लस अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, ये तो हुआ हाइब्रिड। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में ये फॉल्स प्रोपेगेंडा भी चला दे, तो आप जरा सोचिए कितनी डैमेज होगी। फॉल्स प्रोपेगेंडा, हाइब्रिड वॉरफेयर, इसीलिए अगर आपकी जनता प्रिपेयर्ड नहीं है, मैं फौज की बात नहीं कर रहा मैम, फौज अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो फौज को तो ये बात पता ही है, आपने जनरल हुड्डा साहब की बात करी उनको तो पता है, बट हमारी फौज भी हमारे लोगों से बनती है, हमारे लोगों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में उन्होंने ये इंफॉर्मेशन फैलाई कि दैट इंडियन आर्मी इज अगेंस्ट इंडियंस और हमारे लोग मानने लग जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आर पीपल अंडरस्टैंड दिस। गवर्नमेंट कुछ डिसिमिनेशन प्रोग्राम समझाए, लोगों को समझाए, क्योंकि आम जनता को इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। अभी आम जनता तो मैम डीप फेक नहीं समझ पा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बहुत सारे लोगों का रश्मि का मंदाना का जो वीडियो था, ओरिजिनल कौन सा है फेक कौन सा है, बड़ी बाद में समझ में आया। तो जब तक सरकार इस पर मिनिस्ट्रियल लेवल पर स्टेप्स नहीं लेगी, ऐसे होता ना पहले वो
नुक्कड़ नाटक के थ्रू समझाया जाता था, तो आज की डेट में आपको सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को यूज करना पड़ेगा, जिन इन्फ्लुएंसर्स की हमने बात करी थी कि दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर इज कमिंग, क्योंकि उनकी रीच लाखों करोड़ों के अंदर है, तो दिस हैज टू बी डन। तो मैम चाइना और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में चाइना हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, और उनका वन ऑफ द टारगेट्स इंडिया है, नॉट द ओनली टारगेट। पाकिस्तान का ओनली टारगेट इंडिया है, उनके पास लिमिटेड फंड्स हैं, वो कन्वेंशनल वॉरफेयर करेंगे नहीं, वो सिर्फ जैसे कि आपने वॉरफेयर की बात करी, एक और वॉरफेयर है प्रॉक्सी वॉरफेयर, जिसके अंदर मिलिटेंट्स को यूज करते हैं। प्रॉक्सी मतलब जैसे हम बोलते थे ना जब क्लासेस में होते थे और हम एबसेंट होते तो कोई हमारी प्रॉक्सी लगाता था, तो उसी तरीके से प्रॉक्सी वॉरफेयर में क्या है, नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज करते हैं। तो टेररिस्ट क्या है, अगर टेररिस्ट पकड़ा भी जाता है तो पाकिस्तान बोलता थोड़ी है मेरा टेररिस्ट है, दैट इज नॉन स्टेट एक्टर। और अगर आप 5 टेररिस्ट से जाके आप डैमेज करते हो कश्मीर में या फिर मुंबई के अंदर, ग्लोबली आपकी इमेज खराब होती है, आपकी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन उठती है, इकोनॉमिकली बहुत सारी कंट्रीज या कंपनीज आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगी, भैया आपके यहाँ सिक्योर्ड इन्वायरमेंट नहीं है, ग्लोबली आपकी इमेज को बहुत ज्यादा धक्का लगता है। सो मैम ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू कंसिडर इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान दे आर क्वाइट क्वाइट डेंजरस, जो मैंने अभी आपको सारे पॉइंटर्स बताए। सर आपने जितने अच्छे से ये चीज हमें एक्सप्लेन की है कि इस न्यू जो ये मॉडर्न वॉरफेयर है, इसमें जो फ्रंटियर वॉरफेयर है, इसमें बैटल फील्ड जो है वो चेंज हो चुका है और यहाँ सिविल सोसाइटी जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, और भारत करेक्ट एक मैम, करेक्ट ह्यूज पॉपुलेशन के साथ है, बहुत ही इजी टारगेट हो सकता है चाइना और पाकिस्तान का। अच्छा, चाइना का हम देखते हैं सर, इसमें वो साइबर अटैक करता है या एप्स के जरिए वो किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा था या जो भी, और सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए भारत ने चाइनीज एप्स को बैन भी किया। लेकिन जब हम पाकिस्तान की तरफ से देखते हैं तो वो उनके ISPR का द्वारा या उनके यहाँ जो भी इस तरह की एजेंसीज काम कर रही हैं जो कि हमारी सोसाइटी को अच्छे से रीड करती हैं और उस पर एक नजर रखती हैं, तो उनके बहुत सारे यूट्यूब के चैनल्स हैं, उनके ड्रामा इस तरह के आते हैं जिसमें वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। उनके यहाँ पश्तून जो होते हैं आप देखिए, उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि वो हमेशा से अग्रेसिव हैं, वो गुंडे मवाली टाइप के हैं। जो माइनॉरिटीज हैं वो उसको दिखाते हैं कि वो नौकर चाकर हैं, वो कभी उनको किसी हाई पोस्ट पे नहीं दिखाते हैं। तो एक तरह का एक गेम प्लान है पूरा, और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वो उसको प्लान करके करते हैं। हमारे भारतीय जो है पाकिस्तान के चैनल्स को भर भर के देखते हैं और कहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पर देख रहे हैं, लेकिन उस एंटरटेनमेंट के नाम पर एक बहुत बड़ा फायदा उनको डॉलर्स के जरिए भी, करेक्ट, उनको अपने प्रोपोगेंडा के जरिए भी मिल रहा है। मैनिपुलेशन मैम, वो अपने आप सबकॉन्शियस को हिंट कर रहे हो उसके। और वो कुछ थोड़ा सा एक लेते हैं वो पब्लिक रिएक्शन, और वो तो कुछ ही आबादी होती है, जबकि एक पूरा पाकिस्तान जो है वो हम समय समय पर देखते हैं किस तरह का उनका अग्रेसिव रिएक्शन आता है, या जो जिनको ज्यादा देखा जाता है पाकिस्तान में उन्हीं उन्हीं को उनके पब्लिक जो है वो देख रही है, वो लोग हमें नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो है वो उन लोगों को देखते हैं। तो चाइना मैम के चैनल पाकिस्तान जो है वो क्रिकेटर्स को हमारे यहाँ देख नहीं लो देखे मैम, जाते। पाकिस्तान क्रिकेटर्स मतलब उन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं मैम, वहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो विराट कोहली के नाम पे पैसा बना रहे हैं, विराट कोहली की बात करेंगे, इंडियन क्रिकेटर्स की बात करेंगे मैम, दे आर वेरी क्लियर व्हाट देयर एजेंडा इज, लाइक दे आर मतलब वो इंडियन क्रिकेटर्स की बात अच्छी तरह इसलिए करते हैं, उनको पता है इंडियन ऑडियंस मिलेगी, यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू देयर गोल की व्हाट दे वांट फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ कश्मीर, दे आर वेरी क्लियर, शायद शाहिद अफरीदी हो, शोएब अख्तर हो, एवरीवन इज वेरी क्लियर कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जब बात करते हैं तो उनके अपने एजेंडा क्लियर होते हैं। वो सारा भाईचारा मैम सिर्फ व्यूज तक लेने के अंदर है, पॉपुलैरिटी लेने की तरह के लिए है, या ब्रांड एंडोर्समेंट्स लेने के अंदर है। पाकिस्तानीज ऑन दिस हायर प्लेटफॉर्म मैम आर वेरी वेरी क्लियर कंपेयर टू अस मैम, हम तो अभी भी सोचते हैं कि भाईचारा करने की बात करी जाए एंड एवरीथिंग, दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट मैम, वी आर नॉट क्लियर, दैट्स द पॉइंट, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से लेकर, जैसे मैम जो मैं क्रिकेटर्स की बात करूं, आज से आप 15-20 साल पहले चले जाइए तो जो संगीतकार वगैरह यहाँ पर आया करते थे उनके भी उनका भी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर होता था, उनके क्रिकेटर्स का तब भी था, आज बस ये हो गया कि हम डिजिटल माध्यम से बात कर रहे हैं मैम, इट इज दी ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल एंड द न्यू बॉटल इज जस्ट द डिजिटाइजेशन, दे हैव बिकम वेरी क्लेवर टू यूज दिस डिजिटाइजेशन इन सोशल मीडिया कि इसको कैसे यूज करना है, भारतीयों को कैसे बरगलाना है, दे आर वेरी वेरी क्लियर, पाकिस्तानीज आर वेरी क्लियर ऑन दिस। चाइना को, चाइना के पास एडवांटेज ये है कि वो साइबर वॉरफेयर में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इट कैन टारगेट, पाकिस्तान करंटली डज नॉट हैव सो मच ऑफ फंड्स टू डू इट, इकोनॉमिकली आप उनकी हालत देख ही सकते हो, तो वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, आपने DGISPR की बात करी, DGISPR के आप चैनल पे जाइए, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी हो कि किस तरीके से इंडियन आर्मी अटैक करती है, फेक इंफॉर्मेशन मैम, व्हेन आई वाज इन द ब्यूरो एंड वाज पोस्टेड इन कश्मीर मैम, कितने वीडियोस देखे हमने जहां पर ये प्रॉपर शूट के साथ वीडियोस बनाए गए हैं, वो इंडियन यूनिफॉर्म बनाई जाती है, उसके बाद प्रॉपर शूट करी जाती है, फिर कश्मीर में वीडियोस को सर्कुलेट करा जाता है, वन ऑफ द एपिसोड्स मतलब
बुरहान वानी वॉज अ यू नो वॉट वॉज अ सिचुएशन जिसने पूरे कश्मीर में सारी सोशल मीडिया से पूरी उस टाइम पे हिला दिया था. एंड इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर फोर्सेज वॉट केम आफ्टर दी डेथ ऑफ बुरहान वानी, नॉट बिफोर दी. क्योंकि उससे पहले तो वो सिर्फ लाल चौक वगैरह में फोटो डाल रहा था एंड ही वॉज क्वेश्चनिंग कश्मीरी पंडित, कुरान से कोट्स को डाल रहा था. एंड वन ऑफ द रीजन दैट वो हिजबुल मुजाहिदीन में जो उसकी राइज हुई है बुरहान वानी की, दैट वॉज बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट मिलिटेंट एट दैट टाइम हु वॉज एबल टू यूज एबल टू यूज सोशल मीडिया टू राइज. और जब उसकी उसका मतलब जब किलिंग होने के बाद दी मीडिया ने न्यूज ये डाली कि वो प्रिंसिपल का बेटा था, टीचर का बेटा था, नोबडी वॉज टॉकिंग अबाउट कि उसने भैया करा क्या था, कितनी किलिंग्स करी गई थी, मिलिटेंट था. ये जो मिलिटेंट का बेटा ना होके सॉरी प्रिंसिपल का बेटा के ऊपर ज्यादा फोकस करा, ये मैम 0.5 वॉरफेयर है, मिस इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा है, जो पूरी दे वर वेरी सक्सेसफुल. आज की डेट में आप देखिए कि अब कश्मीर के अंदर कोई भी मिलिटेंट मरता है तो उसमें बहुत सिंपल होता है कि अलग से जाकर जो भी प्रोसीडिंग्स है फ्यूनरल की वो करी जाएंगी एंड वेरी क्लोज वन वुड बी कॉल्ड चाकी मैम. ये फ्यूनरल प्रोसेशंस के वीडियोस ना निकले और इनको सर्कुलेट ना करा जाए और कश्मीर को फिर से ना जलाया जाए. कश्मीर में आप देख भी रहे मैम मिलिटेंसी अगर नॉर्थ में कम हुई है, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स साउथ, क्योंकि वहां से पाकिस्तान आराम से पीओके से घुस सकता है. एग्जैक्टली सर, और आप ये जो पॉइंट आपने बोले हैं तो कश्मीर का जो हवाला आपने दिया ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक टूल है ना, क्योंकि आपने जो पहले करेक्ट, एक्सप्लेन किया कि एब्सोल्युटली ये दो करेक्ट चीजें मैम, साथ एब्सोल्युटली करेक्ट, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली जो करेक्ट. बिकॉज दिमागों के साथ मैम खेलता रिलीजन है. को भी यूज करा जा सकता है बहुत इजीली, रिलीजन को यूज करा जा सकता है. लाइक इट्स सेड ना वो मतलब जो आपको टेररिस्ट लग रहा है वो किसी और को रेवोल्यूशनरी लग रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आप रिलीजन का एंगल ले सकते हैं, इस्लाम का एंगल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैम जो पत्थरबाजी हो रही थी, आप क्यों नहीं हो रही है पत्थरबाजी, आप बताइए. क्योंकि पत्थरबाजी के लिए मैम पैसे मिल रहे थे. आप एक बार पत्थर मारोगे, दो बार पत्थर मारोगे, पांचवी बार तो पूछोगे ना भाई क्यों, मैं क्यों खाऊं सीएपीएफ के डंडे, सीआरपीएफ के डंडे, पुलिस के डंडे. मैम ये जो इंतफिदा है, आई एम श्योर आपको पता होगा, इंतफिदा जो पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में हुई, वहां से इसको उठा के लेकर आया गया था, वहां पर पत्थरबाजी होती थी. सो पाकिस्तान दैट गॉट दैट, कश्मीर में हुआ प्रॉपर फंडिंग, पैसे करे गए, फिर डीमोनेटाइजेशन एंड करेंसी चेंज के बाद अब तो नहीं हो रही पत्थरबाजी, वाई इट इज बींग स्टॉप. तो ऑब्वियसली वो मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे की वजह से काफी सारे एंगल्स थे. और फिर जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन कश्मीर वॉज हैपनिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है कि वो अभी से, वो काफी टाइम से करा जा रहा था, बट वो पूरी जो अब कंट्री में करा जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू करा जा रहा है. मैम इंस्टाग्राम पे इफ यू मेक अ रील, आई हैड स्पोकन समथिंग अबाउट खालिस्तान, सम खालिस्तान एंड पाकिस्तानी मिलिटेंसी. मैम कितने सारे मैंने देखे थे कमेंट्स आ गए थे विच वर इंडियन अकाउंट्स एंड सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड खालिस्तानीज, एंड आई वॉज शॉक्ड कि ओपनली दे वर सपोर्टिंग. मैम ओपनली दे वर सपोर्टिंग. तो जब घर में आपके जैसे है ना कि विभीषण ने पूरी लंका ढा दी थी, तो चलो विभीषण का एग्जाम्पल देना तो करेक्ट नहीं होगा, ही बिकेम अ गुड पर्सन लेटर ऑन, बट अगर आपके देश में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो ये 0.5 फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर इज क्वाइट सक्सेसफुल. एंड एज आई सेड इन द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट मैम कि ये होने नहीं वाला, ये हो रहा है और हमारे देशवासियों को समझना पड़ेगा. और खासकर इसको मैं अगर बोलूं तो मैम इसको एट द हाईएस्ट लेवल, आई मीन टू से क्या बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, अगर क्या पता अगर वो इसके बारे में जिक्र करें या फिर एट द टॉप लेवल इसके बारे में जिक्र हो तो पूरे देश में इस पे चर्चा होने लग जाए. मैम तक जब तक चाय पे इस पे चर्चा नहीं होगी ना, तब तक आप और मैं ही बात कर पाएंगे. जब ये चाय पे चर्चा होने लग जाएगी कि ये क्या है, तो आई थिंक अवेयरनेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा. एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसे बहुत जरूरत है कि बात करती रहनी चाहिए. और जैसे आपने DGISTR का बताया, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि कश्मीर में जिस तरह से रिलीजियस कार्ड खेलकर किस किस तरह से उनके जहनों को कैप्चर किया गया है. एक प्रॉपर उनकी प्लेलिस्ट जब आप जाके देखते हैं तो वहां पर सॉन्ग्स उन लोगों ने रिलीज कर रखे हैं कश्मीर के नाम पर, उन्होंने ड्रामास बना रखे यस हैं यस उनकी यस डॉक्यूमेंट्री. और मैं देख के शॉक्ड हो गई थी कि उसको हमारे इंडियंस भी जाकर देखते हैं, और एक बहुत बड़ा तादाद है वो कहते हैं हम एंटरटेनमेंट के नाम पर देख रहे हैं, और पाकिस्तानी उसको देखकर अपने जहनों को एकदम उसी तरह से रीड करने लगते हैं. और बाकी उनका जो सिलेबस है वो भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि वो उसमें कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं. तो जो आपने बताया है कि ये इंफॉर्मेशन को किस तरह से मैनिपुलेट करके पेश किया जाता है, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया जाता है, किस तरह से साइबर अटैक हो, चाहे वो साइबर वॉरफेयर हो, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, स्पेस वॉरफेयर हो, और जो कोविड सारी दुनिया में फैला था तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो,
तो ऐसे में हम केवल भारत की ही अगर मैं बात करूं तो हमारे देश को कितना अग्रेसिवली और किस तरह से इसको सक्सेसफुली इसको काउंटर करने की जरूरत है, और हम क्या मेजर स्टेप ले सकते हैं उसके लिए। हम सिविल सोसाइटी की ही अगर हम बात करें, उसमें भारत सरकार का क्या कोई नेशनल प्लान है इसमें, या आगे किस तरह से चीजें होंगी? जैसे चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था, इस तरह से ये जो यूट्यूब के चैनल्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, या जो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसको रोक लगाने के लिए हम सिविल सोसाइटी से और भारत सरकार की तरफ से क्या इसके कदम उठाए जा सकते हैं? मैम देखिए, जैसे हमने चाइनीज ऐप्स को बैन करा, बट अगेन दैट फोकस वाज द ऐप बैन ऐप एंड चाइनीज इकोनॉमी को एक तरीके की ठेस पहुंची, बट कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ बिकॉज चाइनीज अगेन बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ इंडिया, अभी जो रिसेंट डेटा आया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग दिस प्रॉब्लम, अगेन एज आई सेड अर्लियर मैम, इट कैन नॉट बी काउंटर्ड अंटिल अनलेस पीपल नो अबाउट इट। नाउ पीपल इन अ कंट्री विल ओनली नो अबाउट इट जब ये चर्चा का पॉइंट बनेगा, और जब तक इसको नेशनल लेवल पर कोई बहुत बड़ी मिनिस्ट्री या मिनिस्टर और दी प्राइम मिनिस्टर इसको नहीं उठाएंगे, तब तक लोगों को ये समझ नहीं आने वाला। अब देश में प्रॉब्लम ये भी, अगर प्राइम मिनिस्टर इस मुद्दे को उठाएंगे तो लोग बोलेंगे कि शायद फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर प्राइम मिनिस्टर ही कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मैम, अभी तक आप बोलेंगे जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं बनी अभी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है इंडिया की, जिसकी चार जंग हो गई है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद एक जंग हो गई है चाइना के साथ, और मल्टीपल स्कर्मिशेस तो चलते ही रहते हैं टेररिज्म। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है, आज तक जी बनी ही नहीं है। तो मैम इतने युद्ध हो चुके हैं, आप दो आर्च राइवल्स के बीच में हो, चाइना और पाकिस्तान, जिनके एजेंडाज आर वेरी क्लियर अगेंस्ट इंडिया। उनको बहुत पता है कि इंडिया से हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं है। एक अच्छा स्टेप अभी ये आ रहा है कि हम थिएटराइजेशन ऑफ कमांड की बात कर रहे हैं, सीडीएस की पोजिशन तो बन ही चुकी है। तो मैम जब तक ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी नहीं आएगी, तब तक गवर्नमेंट लेवल पे काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैम फॉर एग्जाम्पल आपने बोला प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग मैम तभी पॉसिबल होती है कि आप उस पर पेपर वर्क करें, आप उस पर काम करें, तो फिर गवर्नमेंट एक्शन में आती है। सो देयर हैज टू बी स्ट्रैटेजी ऑन इट, देन पीपल नीड टू बी मेड अवेयर अबाउट इट, पीपल नीड टू बी मेड अवेयर फ्रॉम द डिसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग, चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यूज करो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को यूज करो, प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में बात करें, एमएचए इसके बारे में बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसके बारे में बात करें, और बात करने के साथ एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी हो जो इस पर काम करे। मैम ये तो है लोगों को बताने की बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग मैम, ऑफेंसिव आपको करना पड़ेगा, यानी कि जब तक आप पाकिस्तान को उनकी ही भाषा में जवाब नहीं दोगे तब तक वो समझेंगे नहीं। जैसे हमने बालाकोट में दिया और उसके बाद उरी स्ट्राइक्स के अंदर उनको दिया, तो ये आपको करना पड़ेगा, राइट? तो जब तक आप जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स के अंदर दिया तो उनको पता लगा कि हम जवाब दे सकते हैं, तो जब तक हमारा ऑफेंसिव एक्शन नहीं होगा ना, तब तक वो नहीं समझेंगे। ऐसे ऑस्ट्रेलियंस काफी स्लेजिंग करते थे क्रिकेट में, इंडियंस नहीं करते थे, देन इंडियंस ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग, मेनी कंट्रीज बिकेम एग्रेसिव, आज सब बराबर हो गया। तो जब सिर्फ आप डिफेंसिव में रह के अच्छे नहीं हो सकते, आपकी भी साइबर वॉरफेयर, साइबर एस्पेनाज, साइबर सैबोटाज कैपेबिलिटीज टॉप लेवल की होनी चाहिए, तो फिर अगला बंदा भी डरेगा। जैसे कि न्यूक्लियर डेटरेंट है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, तो पाकिस्तान बहुत बार बोलता था हम एटमी ताकत है, एटमी ताकत है, हमने दो ऑपरेशन कर दिया, कोई न्यूक्लियर पावर, कोई बम नहीं आया, वही रखी हुई है उनकी एटमी ताकत। चाइना का भी सेम है, तो नो बडी विल यूज न्यूक्लियर वॉरफेयर, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, क्योंकि सारी कंट्रीज तबाह हो जाएंगी। तो जब तक आपकी साइबर वॉरफेयर केपेबिलिटीज अच्छी नहीं होगी, आपकी ऑफेंसिव केपेबिलिटीज अच्छी नहीं होगी टू डेसिमेट, जब तक आप चाइना में ऑपरेशन नहीं करोगे और पाकिस्तान में इस तरीके का ऑपरेशन नहीं करोगे, जब तक मैम उनमें डर नहीं बैठेगा ना, तब तक वो करते रहेंगे। और जब तक आप डिफेंसिव पे लगते रहोगे, वो कोई ना कोई लूप होल निकाल लेंगे, जीरो डे एरर निकाल लेंगे, सप्लाई चेन में कुछ इफेक्ट निकाल लेंगे और करते रहेंगे। वी ऑल देयर टू थिंग्स, वन इज आर ऑफेंसिव केपेबिलिटीज शुड ऑल्सो बिकम, हम भी वो करके उनको दिखाएं जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से होता है, गिविंग देम द सेम टेस्ट ऑफ मेडिसिन एंड यू नो टू देयर एजेंसीज, नॉट आई एम नॉट सेइंग टू टारगेट देयर नॉर्मल पीपल, एंड सेकेंड हम अपने लोगों को समझाएं और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी लाएं एंड इम्प्लीमेंटेशन हो मैम इन सबका। दीज आर द थिंग्स विच नीड्स टू हैपन।
और सर यहाँ पर आपने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की बात की, जो 2013 की नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी थी, उसमें उसका थोड़ा सा अगर हमें ब्रीफिंग दे सके, वो कितना इम्प्रूव किया गया और उसमें क्या प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज को उसमें इंक्लूड किया गया है? और अगर हम अपनी बात करें, आप जैसे अपने स्तर से कर रहे हैं, एक एक बहुत बड़े स्तर से कर रहे हैं देखा जाए तो, जितने भी लोग अगर आपको देखेंगे तो वो सीख कर जाएंगे कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं और कहाँ हमें सीखना है। और हम जैसे यूट्यूबर हैं तो हमें भी थोड़ा सा सर गाइड करें कि हम इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या किस तरह से हम अपने स्तर से अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को कम से कम अवेयर कर सकते हैं। जी मैम, जैसे कि आप कोई भी पॉलिसी होती है, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रैटेजी हो, पहली चीज़ तो वो होनी चाहिए। आप देखिए मैम, मैं चाइना की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, यूके की बात करूं, जैसे यूके की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है वो इंटीग्रेटेड रिव्यू बोलते हैं उसको मैम, ये हर साल बदलती है, हर साल उसमें एडिशन होते हैं कि अब हमारा पर्सपेक्टिव ये है, हमारा चाइना दुश्मन है, ये है वो है। मैम हमारी स्ट्रैटेजी हैज टू बी अपग्रेडेड। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रैटेजी आ जाए तो आज के अंदर उसके अंदर 2024 के होने चाहिए। जैसे हम फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात करें और फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात करें तो मैम ये पुराना हो गया है, क्योंकि अब फॉल्स इंफॉर्मेशन को एम्पलीफाई कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, प्रोजेक्ट अस्त्रा हो गया, ये तो पब्लिक डोमेन के सॉफ्टवेयर है ना। आप जरा पढ़िए एआई एंड वॉरफेयर के अंदर जो पाकिस्तान सो जो चाइना और अमेरिका की कैपेबिलिटीज है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर चाइना टू गिव दीज सॉफ्टवेयर और दीज वॉरफेयर कैपेबिलिटीज टू पाकिस्तान इफ द नीड अराइजेस। तो आपकी जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, आई थिंक वन ऑफ द ड्राफ्ट इज स्टिल इन द सर्कुलेशन, उसके अंदर 2024 के बारे में होना चाहिए। अब तो फिफ्थ जनरेशन इंफॉर्मेशन में एआई ऐड हो गया ना, विच इज मेकिंग इवन मोर कॉम्प्लेक्स। एआई तो पढ़ के बता देता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकता है। अब एआई की बात, एजीआई की बात करी जा रही है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात करी जा रही है, यू नो क्रिएटिंग मशीन्स व्हिच कैन हैव रैशनल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लाइक ह्यूमंस, तो वो तो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो आपकी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज में अगर आज की चेंजेस को इनकॉर्पोरेट नहीं करा गया, जैसे आपने 2013 की बात करी, 2024 में बैठे, अगर वो इतनी ज्यादा पोर्टेंट और प्रोग्रेस होती तो शायद हम ये डिस्कशन ही ना कर रहे होते, राइट? इट इज नॉट प्रोग्रेस इंपोर्टेंट, वी आर स्टिल वेटिंग जिसके अंदर। और मैम इंडिया में प्रॉब्लम ब्यूरोक्रेटिक और रेड टेपिज्म की बहुत है, लाल फीताशाही की, पॉलिसीज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। दैट डे कम होपफुली अंडर द करंट गवर्नमेंट और हुएवर इज द फ्यूचर गवर्नमेंट, वो और ज्यादा टाइम से आएंगी। व्हेन आई कम, मतलब मैं अगर आपकी बात करूं तो मैंने जब चैनल को देखा, आप तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी पहल कर ही रही हैं, क्योंकि आप उन सारे लोगों को बुला रही हैं जो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। द ओनली थिंग इज दैट इफ इट कैन रीच मैक्सिमम पीपल, अगर मैं यही बोलूंगा कि जो हम बातचीत कर रहे हैं, और अगर ऐसी ही रील्स, ऐसा ही कंटेंट, नॉट फॉर मी और यू बट जो बाकी सारे यूट्यूबर्स हैं जो इस पर बात कर रहे हैं, अगर ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, सिंस मैं यूट्यूबर्स और स्मॉल कम्युनिटी की बात करूं, नथिंग लाइक इट। और अगर आम घरों पर भी इसके बारे में बातचीत होने लग जाए तो नथिंग लाइक इट। एजुकेटर्स मैम, जैसे बहुत सारे फेमस एजुकेटर्स है कंट्री के अंदर, चाहे वो आप दिव्यकृति सर के बारे में बात करिए या फिर बाकी सारे जितने भी बड़े एजुकेटर्स हैं, अगर वो भी इन मुद्दों पर बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत फेमस यूट्यूबर्स हैं, तो मैम जनता को पता लगेगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग उनको फॉलो करते हैं। बट दिक्कत ये है वो बात नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, क्यों नहीं कर रहे हैं वो मुझे पता नहीं। इंस्टाग्राम पे मैम इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके 10-15-20 मिलियन है, जो फनी कंटेंट बनाते हैं, विच इज गुड, बट अगर वो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान का ISPR ऐसे वीडियोस बना रहा है और इंडियंस को लेके जा रहा है और फिर अपने चैनल के थ्रू दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, आपका देश ही खराब है, तो जब तक हमारे यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, दे विल नॉट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, नथिंग विल हैपन। अदरवाइज तो क्या है कि एक छोटी सी कम्युनिटी है जो इसके बारे में बात करिए। यस देयर हैव बीन, जैसे कि काफी सारे बड़े जो पॉडकास्टर्स हैं उनके बारे में बातचीत करिए, बट अगेन फोकस इज ऑलवेज ऑन दैट कॉन्टेंट विच जनरेट्स अ लॉट ऑफ व्यूज, विच इज fine for them, until unless ma'am everybody talks about it and it reaches masses ma'am, tab tak difficult hoga. So YouTubers who can do that and our reel and content reaches that, that would be the biggest victory ki hamare deshvasiyon ko iske bare mein pata lag jaye aur wo bargalaye nahi. Exactly. Jaise all eyes on Rafa social media par
कुछ ही घंटों में इस तरह से ट्रेंड हुआ कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन हम देखते हैं जब हमास ने आक्रमण किया, आतंकवादी हमला किया, तो उस वक्त इस तरह से कुछ ट्रेंड नहीं हुआ। पीओके में हमने लोगों की जाने जाती हुई देखी, तब ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, उन लोगों ने कुछ ऐसा ट्रेंड नहीं कराया। तो यहाँ हम लैग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जब हम पाकिस्तान का देखते हैं तो उन्होंने लाल टोपी उर्फ जैर हामिद उर्फ वट एवर डिफेंस एक्सपर्ट करके एक उन्होंने एक पब्लिक फिगर बना रखे हैं, जिनकी बात को पाकिस्तान में आंख बंद करके सुना जाता है। अब चूंकि इनकी भाषा और हमारी भाषा में कुछ अंतर कितनी नहीं है, चीखम चाहे ही चिल्ली करके बात करता है, कोई ज्ञान नहीं है, मतलब ही इज टॉकिंग ऑब्नॉक्शियस मैम, कुछ बोला जाए तो ये उन्हें कर कुछ देंगे, देखा ऐसी जाता है। बातें करता है, राइट, एंड एग्जैक्टली, इट्स उसको देखा फनी। जाता है, उसको कहते हैं हम डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और उसको पाकिस्तान में लोग सुनते हैं, उसकी बात को मानते हैं। अभी कुछ वक्त पहले का वीडियो है, मैं आपके साथ यहाँ पे हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर कर दूंगी, वो छोटा सा क्लिप है। तो बात यह है कि इंडिया न सिर्फ जी आपको आप अपने इस एक्सेस पे प्यासा मारना चाहता है, बल्कि डुबो के मारना चाहता भी है। 2010 के बाद से उनकी कैपेबिलिटी हो गई ठीक है है, कि हर मॉनसून में पाकिस्तान में फ्लड भेजते हैं। तो आपने इस साल भी देखा कि फ्लड, हमारे जितने फ्लड्स आ रहे हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड फ्लड्स हैं। तो ये पावर आपने खुद इंडिया को दी है और अब वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए। पाकिस्तान में भी अब आवाजें उठ रही हैं कि इसमें पाकिस्तान एक लूजर था, हमने अपने दरिया उनके हवाले कर दिए। जंग के खतरे का क्या सवाल है? एक फिफ्थ जनरेशन वॉर तो हमारे खिलाफ हो रही है। आप ये सवाल कीजिए कि क्या इंडियन इंडिपेंडेंट बैटल ग्रुप अभी दाखिल होंगे या कुछ अरसे के बाद दाखिल होंगे? जिसमें वो कह रहा है कि भारत हमारा पानी रोक के हमारे लोगों को मारना चाहता है, और ये सब कुछ हो रहा है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंतर्गत। और पाकिस्तान की जनता इन चीजों को सुनती है और वो उसी तरह से अपना जहन बनाती है। तो जिस शिद्दत के साथ ये ISPR वर्क कर रहा है, उस तरह का हमारे यहाँ से होने की जरूरत है। ये पहले से ही जाके अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कश्मीर को लेकर, भारतीय मुसलमानों को लेकर चिल्लाने लगती है। लेकिन जो पीओके में हो रहा है, इनके किसी के भी बोलने से पहले खुद हम भारतीयों को इस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाने थोड़े दिन पहले चाहिए तो कि धरने हो देखिए। रहे थे पीओके के अंदर। जी हम जैसे अभी पीओके सॉरी, में दंगे हुए, अभी जैसे मैं कह रहा हूँ पीओके के अंदर आपने देखा पत्थरबाजी और दंगे हुए, अगर यही सेम चीज अगर कश्मीर में हो रही होती तो इसको ना इंटरनेशनल लेवल पे ले गए होते, और उसमें बहुत सारे लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे होते या उन वीडियोस को और फोटोज को शेयर कर रहे होते वो इंडियंस होते। बट दैट डज नॉट हैपन। अब एग्जैक्टली पीओके में बातचीत हुई तो क्या किसी बॉलीवुड स्टार ने बात करी? ठीक है, नोबडी। तब क्या सोनम कपूर ने इसके ऊपर बात करी? नोबडी टॉक्स अबाउट, बंद, तब कोई नहीं करता। वही आपने जो ऑल आइज ऑन राफा पे बात करी जा रही, यस यू नीड टू टॉक अबाउट इट, बट ऑल आइज ऑन इसराइल पे बात क्यों नहीं करी गई 7 अक्टूबर के अंदर? देयर हैव बीन मैसिव अटैक्स ऑन इंडिया, इतने ज्यादा मिलिटेंट अटैक्स इंडिया पे हुए हैं, व्हाट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन हिंदू गर्ल्स इन पाकिस्तान? इस पर ये बात नहीं करते मैम, बिकॉज वो एजेंडा सूट नहीं करता है। दे ऑलरेडी हैव अ एजेंडा, जो मैंने आपको 0.5 फ्रंट वॉरफेयर की बात करी, इनका ऑलरेडी एजेंडा होता है जो इनकी पीआर एजेंसीज इनको बताती है, और पीआर एजेंसीज का भी एक ऑलरेडी एजेंडा है। ठीक है, जहां से भी आ रहा है, किसी एनजीओ से पैसा आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, तो जब तक वो एजेंडा सूट करता है, जब तक वो पैसे आ रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता रिहाना को पता होगा कि हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की खेती होती है, बट ट्वीट उसने करा था क्योंकि पैसे उसके घर पर पहुंच गए थे। That's the entire point. Like, just imagine how many tweets Rihanna has been doing, what's happening in Australia or what is happening in Israel, Hamas. जब तक एजेंडा सूट होता है तब तक ये काम करा जाता है मैम, जब एजेंडा सूट नहीं होता तो देन यू डोंट शेयर इन्फॉर्मेशन। बट अब मैम ट्विटर और एक्स पर हम देखते हैं काफी सारे लोग आ गए हैं जो इन मुद्दों को उठाते हैं, जैसे आप और मैं उठा रहे हैं ट्विटर के ऊपर भी, ऑल आइज ऑन पाकिस्तान, ऑल आइज ऑन हिंदूज, ऑल आइज ऑन इसराइल। अब दिख रहा है मैम, लास्ट 3-4 साल से देखें तो लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं, इट्स नॉट वन साइडेड। आई वुड से दैट कि यस दे आर स्ट्रॉन्ग जो इस तरीके की वन साइडेड या मिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, बट ऑन दी अदर साइड ऑल्सो देर इज अ राइज विच इज ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा आपने ये एक्सप्लेन किया है, और जो आपने ये पूरा जिक्र किया कि हमारा सिविल सोसाइटी जो है वो किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, इस हाइब्रिड वॉरफेयर में, इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, आप किसी भी तरह का आप इसका तमाम एस्पेक्ट देखें, तो यहाँ पर हमें इन तमाम पहलुओं पर नजर रखने की और अपने आप को डिजिटली लिटरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसमें संजय सर जैसी शख्सियत जो है वो हमारा मार्गदर्शन करें, तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाती हैं खुद समझने के लिए और लोगों को समझाने के लिए। और जैसे कि आपने बात की रियाना की, वो किसी भी इंटरनेशनल मुद्दे पर इस तरह से उनके ट्वीट हमने कभी नहीं देखे, लेकिन भारत के मुद्दे पर, चाहे वो ग्रेटा थनबर्ग हो, रिहाना हो, मियां खलीफा हो, और न जाने कितने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ने भी इस मुद्दे को उठाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस मुद्दे को बनाया था। तो यहाँ पर हम भारतीयों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, और इंटरनली हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है ये समझने की जरूरत है। और यहाँ पर
सोसाइटी के अगर बात करें तो उसको समझकर उसके ऊपर कुछ भी वर्क करना पाकिस्तान के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो हर वक्त हमारे भारत पर नजर रखते हैं, जबकि हम चाइनीज चैनल्स यूट्यूब चैनल्स इस तरह से यहाँ नहीं देखते हैं, लेकिन वो अपना साइबर अटैक हाइब्रिड वॉरफेयर मॉडर्न वॉरफेयर वो उस सब में किस तरह से मुलव्वस हैं, किस तरह के सोशल मीडिया एप्स और इन सब के जरिए भारत को डिफेम करना चाहते हैं, वो हमारे लिए समझने की जरूरत है। तो यहाँ तमाम चीजों के बेहद बारीक और बहुत गहरे पहलू हैं जिस पर समय समय पर बात करनी जरूरी है। सर के साथ हम दोबारा इन फ्यूचर किसी और मुद्दे पर जरूर जुड़ना चाहेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया और चीजों को इतनी आसान भाषा में हमें समझाने की कोशिश की है। आई होप कि हमारे व्यूवर्स इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन तमाम चैनल्स को देखना बंद करें जिन्हें वो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के नाम पर देख रहे हैं, या फिर वो उनको लगता है कि नहीं हम इससे कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमागों के साथ खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।